हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है कि हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई पत्नी जीवित होगी और न ही वधू का कोई पति जीवित होगा। यानी कि विवाह के समय या तो दोनों अविवाहित होंगे या फिर अगर पहले उनकी शादी हो चुकी है तो या तो उनके स्पाउस का देहांत हो चुका होगा या उन्होंने कानूनी तौर पर डिवोर्स ले लिया होगा। फ्रेंड्स, प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह बहुपत्नी को मान्यता देता था, परंतु आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहुपत्नी का उन्मूलन करता है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन जिस एक पत्नी या पति के सिद्धांत का पालन किया गया है उसकी संवैधानिकता वैधता पर भी प्रश्न उठाए गए थे। राम प्रसाद सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 इलाहाबाद 334 में पेटिशनर ने मांग की थी कि उसकी पत्नी से उसे कोई पुत्र नहीं हुआ है। उसे हिंदू धर्म के अनुसार परलोक सुख के लिए पुत्र होना अनिवार्य है क्योंकि मृत्यु के उपरांत सभी अनुष्ठान पुत्र के द्वारा किए जाते हैं तथा पुत्र हिंदू धर्म के अधीन नरक से मुक्ति का कारण बनता है। अतः वह पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करना चाहता है, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 उसे इस प्रकार के विवाह करने से रोकती है। यह रोक संविधान के अनुच्छेद 25(1) के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। फाइनली इस मामले को सेटल करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुत्र लाभ के लिए पेटिशनर दूसरा विवाह करना चाहता है जो कि हिंदू लॉ के अधीन आवश्यक नहीं है क्योंकि हिंदू लॉ एडॉप्ट किए गए पुत्र को भी अपने पुत्र की भांति ही सभी अनुष्ठान किए जाने की अधिकारिता प्रदान करती है और किसी व्यक्ति के लिए नरक से मुक्ति का प्रदाता बन सकता है। हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी लड़के को एडॉप्ट कर सकता है, इसके लिए दूसरा विवाह किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के इस निर्णय ने उन हिंदू स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की है जो स्त्रियाँ किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। इस निर्णय ने आधुनिक हिंदू विधि यानी कि हिंदू मॉडर्न लॉ को काफ़ी समृद्ध किया था।